सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, जो भी मन में हो सपना मत तोड़ना, जगह जगह पर मिलेगी मुश्किल आपको, सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। हेलो दोस्तों, अरविंद स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है, मैं आपका साथी अरविंद कुमार। तो आप लोगों के बीच जो टॉपिक लेके आए हैं, वह टॉपिक है लुसेंट। तो लुसेंट के बारे में जानेंगे, और जिस चीज को आप पढ़ते हैं उसको नहीं जानिएगा कि क्या है तो आप सक्सेस नहीं होइएगा। उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए। तो लुसेंट क्या है पहले हम जान लेते हैं। हम यही चार टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। लुसेंट बुक क्या है, पहला है लुसेंट बुक क्या है, दूसरा है लुसेंट बुक क्यों पढ़े, और तीसरा है लुसेंट बुक कब पढ़े, और चौथा जो पॉइंट है लुसेंट बुक कैसे पढ़े। यही चार पॉइंट पे हम आपसे बारीकी से डिस्कस करेंगे, और इसको अगर आप फॉलो कर लिए ना तो आप हमेशा के लिए कोई भी वन डे एग्जाम या बीपीएससी का पीटी आसान तरीका से निकाल लीजिएगा। तो हाँ, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। लुसेंट बुक क्या है तो समझ लीजिए बारीकी से, कभी नहीं भूलिएगा। लुसेंट बुक एनसीईआरटी का क्या है, एक नोट्स है जिसको कहते हैं कि मक्खन निकाल के लुसेंट में रखा हुआ है एनसीईआरटी का। तो यही लुसेंट है, और लुसेंट क्या है तो जान गए ना। और लुसेंट बुक क्यों पढ़े, लुसेंट बुक इसलिए पढ़िएगा कि आपको कोई भी वन डे एग्जाम और बीपीएससी का पीटी निकालना हो तो उसके लिए आपको आसान हो जाएगा, इसलिए भी आप पढ़ सकते हैं। कोई भी वन डे एग्जाम आसान तरीका से निकालिएगा। और लुसेंट बुक कब पढ़े तो पढ़ने का कोई समय नहीं होता है, जब आप फ्री होते हैं और जब आपका फ्री माइंड होता है तो उस समय आप दो से तीन चैप्टर, लेकिन हाँ आपको रेगुलर पढ़ना है, दो से तीन चैप्टर रेगुलर पढ़ना है, तो आप इसको आसान तरीका से और इजी तरीका से सॉल्व कर लोगे, और आपको बिल्कुल बोझ भी नहीं लगेगा। हाँ, बोझ नहीं लगेगा, और बोझ लगेगा कब, जब आप उसको पढ़ोगे नहीं। तो इसलिए आप उसको रेगुलर में रखिएगा, नियमित में रखिएगा, आप बिल्कुल आसान तरीका से कोई भी वन डे एग्जाम फेस कर सकते हैं। अब क्या है लुसेंट बुक कैसे पढ़े, तो कैसे पढ़े, तो लुसेंट बुक कैसे पढ़े तो आपको हमने बता दिया ना कि दो चार पांच जो आपको जितना रुचि है उतना ही पढ़िए, और उसको आप जय ये नहीं कि 30 दिन में, बहुत सारे यूट्यूबर देते हैं 30 दिन 40 दिन 50 दिन या 60 दिन में हम इसको बिल्कुल क्लियर करवा देंगे, नहीं, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको कितना ग्रहण करते हैं और कितना जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे हम आपको जो बताएं तो क्या है लुसेंट, जब आप पढ़ लीजिएगा उसका निचोड़, यानी एक से पाँच सौ अगर पेज को आप आसान तरीका से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। और हाँ, आसान हो जाएगा ना तो वीडियो कैसा लगा और अच्छा लग गया होगा ना, तो फिर लुसेंट का पार्ट 3 लेके आएंगे। तो हाँ, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक बाय बाय।